हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, उसके कितने क्लासिफिकेशन होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन। यह टिश्यू शरीर के सभी अन्य टिश्यू तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है वो अन्य टिश्यू को आपस में अंगों से जोड़ने का कार्य करता है। इसका मुख्य काम अलग अलग शरीर के अंगों को एक साथ बाइंडिंग, सपोर्टिंग तथा पैकिंग करने का होता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मेनली निम्न पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट है ब्लड, सेकेंड बोन कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ है लिगामेंट्स, फिफ्थ है एडिपोज और सिक्स्थ नंबर पे है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्रेंड्स, अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं ब्लड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। ब्लड होता है जो भी, यह प्लाज्मा और यह ब्लड सेल से मिलकर बना होता है। ब्लड का लगभग 55% प्लाज्मा होता है, 90% भाग H2O का होता है, 7% भाग प्रोटीन बनाता है और 0.9% साल्ट बनाता है, 0.1% ग्लूकोज बनाता है। बहुत ही कम चांसेस है अदर फैक्टर्स के। फंक्शंस क्या होता है प्लाज्मा का। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है तथा घाव भरने में भी कार्य करता है। ब्लड सेल्स, यह ब्लड का शेष 45% भाग होता है। इसमें तीन प्रकार की ब्लड सेल्स होती हैं। फर्स्ट रेड ब्लड सेल, सेकंड वाइट ब्लड सेल्स, थर्ड ब्लड प्लेटलेट्स। इसमें सबसे ज़्यादा RBC होती है, उससे कम प्लेटलेट्स होती हैं और सबसे कम WBC होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बोन कनेक्टिव टिश्यू। यह हमारे शरीर का बोन बहुत ही मजबूत तथा नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। यह पोरस, हाईली वेस्कुलर, मिनरलाइज्ड, हार्ड और रिजिड होता है। बोन्स में साल्ट तथा मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके सारे मिनरल्स बोन को हार्ड बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। यह बॉडी को शेप प्रोवाइड कराता है। बड़े बॉडी ऑर्गन जैसे ब्रेन, लंग्स, इनको प्रोटेक्शन देता है तथा कैल्शियम तथा फॉस्फेट को स्टोर करने का काम करता है। अब नेक्स्ट आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज स्केलेटल टिश्यू का एक पार्ट है। कार्टिलेज प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह हमारे शरीर के अलग अलग भागों में पाया जाता है, जैसे ईयर, पिन्ना, नोज, टिप, नोज के टिप पर पाया जाता है, एपिग्लोटिस पे पाया जाता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है और रिंग्स ऑफ ट्रेकिया में पाया जाता है। इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। यह हमारे बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट तथा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है। यह बोन्स के ज्वाइंट पर स्मूथ सरफेस प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट आता है लिगामेंट्स। लिगामेंट टिश्यू इलास्टिक स्ट्रक्चर का होता है, जो हड्डी को हड्डी मतलब बोन को बोन से कनेक्ट करने का कार्य करता है। फिफ्थ नंबर पर है एडिपोज। एडिपोज टिश्यू फैट मॉलिक्यूल्स को स्टोर करता है। यह टिश्यू स्किन के नीचे, इंटरनल ऑर्गन के बीच में तथा येलो बोन मैरो में पाया जाता है। यह टिश्यू इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एरियोलर टिश्यू। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यह टिश्यू लूज तथा सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू है। इसके मैट्रिक में दो प्रकार के फाइबर होते हैं, फर्स्ट वाइट कोलेजन फाइबर, सेकेंड येलो प्लास्टिक फाइबर। यह बहुत ही सिंपल तथा चारों तरफ फैला कनेक्टिव टिश्यू है। यह टिश्यू स्किन मसल्स को जोड़ता है तथा मसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स में पाया जाता है। इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। यह टिश्यू पैकिंग तथा सपोर्टिंग की तरह एक्ट करता है। अगर कहीं शरीर में चोट लग जाए तो यह घाव भरने में भी सहायता करता है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।